ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, गुड इवनिंग। तो अभी आपको जैसे समझाया गया पास्ट संस्कार, परिवार का संस्कार और वातावरण का संस्कार और मनोबल, अगर बच्चे को आप अच्छे अच्छे इंसान के बारे में कथाएं सुनाएंगे। आजकल तो कई बच्चों को राम, रावण, सीता, दशरथ इसका कोई नॉलेज नहीं, रॉकस्टार, पॉप सिंगर इसके बारे में ज्यादा मेजॉरिटी दे रहे, स्कूल सिलेबस में वो सब निकाल रहे हैं। कोई बहुत विरल मिल सकता है, सभी को नहीं होता है। इंटरनेशनल स्कूल टॉप ऑफ द रैंक बच्चे को जाकर के पूछा राम का पिता जिसका नाम क्या है, तो कोई वो फिल्म का राम था उसका नाम बोल, इसका मतलब क्या नॉलेज क्या हो रहा है, संस्कार बिगड़ रहे। विल पावर यानी अपने आप को परिवर्तन करने का एक दृढ़ता आना है, उसको विल पावर कहते हैं। और फाइनली होता है ओरिजिनल संस्कार। ओरिजिनल संस्कार हम सब पे, यहाँ जितने भी हॉल में बैठे हैं सब में एक है। इस संसार के सभी मनुष्य आत्माएं जो है सब में वही ओरिजिनल संस्कार है। वो ओरिजिनल संस्कार सात गुणों से बनता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं समझाता हूँ। देखो वो सात गुण मालूम है बच्चे क्या क्या, एक फॉर्मूला सिखाया था आपको, नॉलेज, पीस, प्योरिटी, पावर और लव, ब्लिस, हैप्पीनेस, सेवन क्वालिटी। सेवन क्वालिटी सारे इंसान का संस्कार है। नॉलेज, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये ओरिजिनल संस्कार हर एक का। जैसे हमारा शरीर जो है पांच तत्वों से बना, फाइव एलिमेंट्स, जैसे बोला जाता है पानी, पृथ्वी, आग, जल, ये सब तत्वों से बना। अगर हम इस शरीर को पानी नहीं दिया तो ये शरीर संतुष्ट नहीं हो पाए, भोजन नहीं दिया तो संतुष्ट नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं दिया तो संतुष्ट नहीं हो। ऐसे अंतरात्मा भी सात गुण मांगता है। वो सात गुण क्या है, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति। ये सात गुण को ओरिजिनल संस्कार मानते हैं। ऐसे कोई है जो बूढ़ा को प्यार नहीं चाहिए, जो बच्चे को प्यार चाहिए, ऐसे है क्या? अरे को प्यार चाहिए, पालतू कुत्ता को भी प्यार चाहिए, वो भी क्या करता है, इंतजार करता है मेरे मालिक कितने एक बार आकर के मुझे क्या करे, मालिश करे, पैम्परिंग करे, है ना, तो वो भी इसके लिए इंतजार करता है। पेड़ पौधे भी हरे का प्यार के लिए इंतजार करता है। प्यार हमारा आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, लेकिन हम प्यार को भूलकर मोह में फंस रहे हैं, मोह को प्यार समझ रहे हैं। प्यार अलग है, मोह अलग है। इस सेवन क्वालिटीज नॉलेज माना अच्छी बातें सुनने का आदत होना है। सुबह उठते ही हम कुछ कुछ और बातों को नहीं पढ़ना है, हमको एक अच्छी नरिशमेंट यानी मन को ताजा भोजन मिलना है। बीती बातों को याद करना और आपस वाले में लड़ाई झगड़ा होता है उसके बातें याद करना और टेंशन की बातें याद करना और घर की बातें याद करना, न्यूज़पेपर सुबह सुबह लेके पढ़ना, ये सब हमारा मन को खराब करता है। ऐसे नहीं कहते कि आप नहीं पढ़ो, लेकिन सुबह सुबह आपका दिन का आरंभ के टाइम में नहीं पढ़ो, इसको कहते हैं आप अपने में नॉलेज मना अच्छी बातों का स्टडी करने का संस्कार का तल्प। दूसरा होता है पीस, शांति। हर एक मन शांति का चाहना रखता है, हमको वो शांति को चार्ज करना है तो मेडिटेशन करना है।
मेडिटेशन यानी कोई मंत्र जप ऐसे नहीं, ये मेडिटेशन माना अपने खुद के अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ के चार्ज करना है। अच्छी अच्छे संकल्प हम आपको लास्ट में 5 मिनट में सिखा देंगे। और तीसरा होता है प्यूरिटी, प्यूरिटी माना शुद्धता, भोजन में सात्विकता, सोचने में सात्विकता। और चौथा होता है लव, लव यानी सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना, एक दूसरे एडजस्ट होना, वो मेडिटेशन से ही वो पावर बढ़ता है। पांचवा होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मना हर एक के गलती को माफ करना, किसी के गलती को ज्यादा किसी के प्रति नफरत नहीं क्रिएट करना। खुश रहने के लिए खान पान नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए लक्जरी नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए हमारा मन और बुद्धि को अच्छा ज्ञान चाहिए। और क्या है, और क्या है हैप्पीनेस, ब्लिस यानी आनंद। जिसका मन सुख में है, शांति में है, खुशी में है, उसका जीवन आनंद होता है। और सेवन, सातवां है शक्ति, शक्ति यानी दूसरों पर कंट्रोल रखना, वो शक्ति नहीं, शक्ति यानी क्या है, सब जीवन में आने वाले परिस्थितियों को सामना करना, उसको क्या कहते हैं, पावर यानी शक्ति।